नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनुज। आज हम बात करेंगे कि भाई आजकल ट्विटर पे क्या चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं, क्या चीज़ें नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है। सो अगर आज का ट्रेंड या अभी का ट्रेंड देखा जाए ट्विटर पर, जो नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है वो चल रहा है सुशांत के बारे में। जैसे आप सबको पता है कि सुशांत की बहुत ही सडन डेथ हुई है, बहुत ही डेथ हुई है, मर्डर हुआ है, होमोसाइड है, सुसाइड है, जो भी उसका सीक्रेट है। अभी तक लोगों में क्यूरियोसिटी बनी हुई है कि एक्चुअल उसके साथ हुआ क्या था। तो मेरा भी अपना मानना है कि जो भी सच है, जिस भी एंगल से सच निकाला जा सकता है, जनता के सामने सच आना चाहिए। उसके लिए सीबीआई भी आई है, सीबीआई ने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन भी किया है, बहुत लंबी इन्वेस्टिगेशन किया है। ये मुद्दा न्यूज पर बहुत ज़्यादा छाया रहा है। अगर मैं बोलूं कि 3 या 4 महीने केवल इसी न्यूज ने पूरे जितने भी न्यूज चैनल हैं सबका मैक्सिमम टीआरपी लिया है, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन अल्टीमेटली इतना सब कुछ जांच होने के बावजूद भी जनता के सामने कोई भी अभी तक ऐसा मीडिया के द्वारा या सीबीआई के द्वारा ये पता नहीं कर पाए कि एक्चुअल उस दिन हुआ क्या था। सो मैं भी और लोगों की तरह ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि सुशांत भाई का जो जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ है उसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या था। और मेरा बस यही कहना है कि निर्दोष लोग नहीं पकड़े जाने चाहिए और गुनहगार कोई छूटना नहीं चाहिए और किसी में भी कोई वेंडेटा नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से जल्दी इसका ट्रूथ सामने आए और हम लोग जानना चाहेंगे कि उस दिन उस रात सुशांत भाई के साथ क्या हुआ था। अगर हम आज दूसरे ट्रेंड के बारे में बात करें तो दूसरा ट्रेंड जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो चल रहा है फार्मर प्रोटेस्ट। जैसा आप सबको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 3 नए लॉ इम्प्लीमेंट किए हैं फार्मर्स के लिए। सो फार्मर्स की कुछ और डिमांड्स हैं। वो उनका जो पक्ष है वो बोलता है कि ये जो 3 नए लॉ आए हैं उनसे उनको नुकसान होगा। गवर्नमेंट का कहना है कि उनको आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदा होगा। सो मेनली अगर आप देखते हैं तो 3 स्टेट के जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। यूपी में भी मेनली वेस्टर्न यूपी, जिनकी सीमा दिल्ली बॉर्डर से मिलती है। तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि अगर गवर्नमेंट भी रेडी है और फार्मर्स भी रेडी है तो एक बीच का कोई रास्ता आप अपना सकते हो जो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। और जैसे किसान अन्नदाता है, उनके बिना ना किसी का गुजारा चल सकता है और सब लोग उनको एक श्रद्धा भाव से देखते हैं। बट हर चीज़ में अगर आप लोग आम लोगों को प्रॉब्लम होगी, दिल्ली में रास्ते बंद होंगे तो वो भी फार्मर्स को भी प्रॉब्लम उसमें होती है। वो भी कहीं जाएंगे, किसी किसी की शादी में कोई जा रहा है, तो डेफिनेटली आम लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि दोनों पक्ष, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फार्मर्स हो, कोई नेगोशिएशन हो, या अगर कोई भी इम्प्लीमेंट और कर सकते हो अपने साइड से, या कोई एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकते हो, एड या रिमूव, जो भी रूल में हो सकता है बेनिफिट सभी के लिए, तो डेफिनेटली उसका बीच का एक रास्ता अपनाया जाना चाहिए और इस प्रोटेस्ट को जल्दी से जल्दी दोनों की सहमति से खत्म होना चाहिए। तीसरा जो अभी टॉपिक ट्रेंड कर रहा है और जो मंडे थॉट्स या मंडे के जो ट्विटर वगैरह में आते हैं वो ट्रेंड कर रहा है। सो मेनली ये 3 ही टॉपिक अभी ट्रेंड कर रहे हैं आज की डेट में। अभी जो समय हुआ है वो हुआ है 11:30 मॉर्निंग का। जल्दी से कोई अपडेट आता है तो मैं डेफिनेटली अपडेट आपको करता हूँ।